हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कतार है। तो जब वोटिंग खत्म हो जाती है और लोग कतार में रहते हैं, तो इसके माने ये नहीं है कि उनको घर भेज दिया जाता है। वो जब तक कतार खत्म नहीं हो जाती तब तक वोटिंग होती है। लेकिन फॉर्मली वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 6 बजे से पहले जो लोग लाइन में लगे थे वो वोट दे पाएंगे। और ठीक आधे घंटे का वक्त बचा है जब हम आपको दिल्ली का एग्जिट पोल दिखाएंगे। एग्जिट पोल का आंकड़ा देने के लिए हमने खास तैयारियां की है। मेरी सहयोगी शोभना डेटा सेंटर से आप तक नंबर पहुंचाएंगी। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि वोटर्स टर्नआउट जो है वो 57% है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जो है वो 57% हुई है। लाइन में खड़े लोग वोट डाल पाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन केस आप नहीं गए तो क्या मैं ये कह सकती हूँ अभय जी कि वो लाइन में जाकर खड़े रह सकते हैं, इनकेस अगर चाहें? मतदान केंद्र पहुंच गए, पहुंच गए हैं, उनको वोट डालने का मौका लगे मिलेगा, चाहे कितनी देर हो जाए। तो शाम 5 बजे तक के बाहर है 57% वोटिंग हुई है। मतदान केंद्र के बाहर है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर है, लाइन में खड़े हुए हैं तो आप वोट कर सकते हैं। अब तक 57% वोटर्स टर्नआउट रहा है, लेकिन याद रखिए पिछली मर्तबा ये 67.12% था। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखते हैं ये 67.12% को तोड़ता है रिकॉर्ड कि नहीं तोड़ता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा और जैसे मैंने बताया मेरी सहयोगी शोभना भी लगातार डेटा सेंटर से मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, आपके साथ जुड़ी रहेंगी। सबसे पहले शोभना का ही रुख करते हैं और फिर खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी और जानते हैं क्या खास तैयारियां हैं डेटा दिखाने की। शोभना, बिल्कुल रूबिका, मैं एबीपी न्यूज के इलेक्शन डेटा सेंटर पर इस समय मौजूद हूं। और जैसा कि आप जानती हैं दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं होता है, पूरे देश की नजर लगी हुई है कि दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। जिस तरीके से जो फाइट दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में कन्वर्ट हो गई। और मैं ये भी बता दूं कि सियासत सत्ता तक पहुंचती है सिर्फ आंकड़ों के जरिए। और आज सबसे सटीक एग्जिट पोल हम लेकर आएंगे एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों के लिए। और ये जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, आप ये समझिए इस कुतुब मीनार ये सिर्फ देश की नहीं, सिर्फ दिल्ली की नहीं, हम हर हिंदुस्तानी की शान है। इसके जरिए हम ये आंकड़ा आपको समझाएंगे कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, दिल्ली में किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। और एक और खास तरीके से हम आपको आंकड़ा समझाएंगे और वो आंकड़ा है दिल्ली की पहचान। दिल्ली का जब भी जिक्र आता है तो मेट्रो का जिक्र आता है और मेट्रो के जरिए हम आपको वो आंकड़ा भी समझाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि दिल्ली में वोटिंग का समय खत्म हो चुका है, अभी तक 57% मतदान हुआ है। तो ये देखिए अब हम मेट्रो आपको दिखाने जा रहे हैं और इस मेट्रो के जरिए हम आपको आंकड़ा समझाएंगे, क्योंकि सत्ता तक सिर्फ आंकड़ा ही पहुंचाता है। ये 2015 के नतीजे आप देख रहे हैं, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, 3 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला था। तो अभी ये दरवाजे बंद हो गए हैं और मेट्रो चली गई है। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे ही सबसे पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का हमारे सामने आएगा, हम ये आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही मेट्रो आएगी, दरवाजे खुलेंगे और आपको वोटिंग परसेंटेज भी बताएंगे, किस रीजन में कितनी सीटें किसको मिल रही हैं वो भी समझाएंगे। 7 लोकसभा सीटें हैं और हर लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीट है, यानी हम सीट वाइज रीजन वाइज भी आपको बहुत डिटेल तरीके से सबसे सटीक एग्जिट पोल आज दिखाएंगे, जिसका पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं होता रूबिका। और बहुत शानदार ये ग्राफिक्स हैं जो आपने दिखाए हैं,
कुतुब मीनार हो या फिर मेट्रो हो, उसी रफ्तार से आंकड़े आते चले जाएंगे और उसी रफ्तार से आंकड़े हम दिखाने वाले एग्जिट पोल के। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सैंपल साइज है हमारा जिसके तहत ये एग्जिट पोल जो है अब से कुछ ही देर में आंकड़ों में तब्दील होकर आपके सामने आएगा। लेकिन ये वोटिंग पैटर्न किस तरीके का रहा है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो 57 क्यों है, 57% क्यों है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा पहले उनका रुख कर लेते हैं हम। निर्माण भवन से अंकित गुप्ता है, वीवीआईपी इलाका है आप जानते हैं। अंकित थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाराखंबा रोड बूथ से अंजलि हमारे साथ बनी हुई है और अब से कुछ ही देर में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग जो कि चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जैनेन्द्र कुमार हमसे जुड़ने वाले हैं। लेकिन अंकित आपके यहाँ का क्या सीन है, जरा दृश्य मुझे बताइए। रूबिका फिलहाल जिस बात का अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है, लिहाजा यहाँ पर गेट बंद कर दिए गए हैं, अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग अंदर लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को वोट डालने की अनुमति है। लेकिन रूबिका हमको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज देखनी होगी कि दोपहर में 1 बजे जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा आया था उसमें जो बताया गया था कि करीबन 26% मतदान हुआ था, लेकिन शाम को जो 5 बजे का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है 57.87%, यानी करीबन 58%। इसका मतलब ये साफ है कि दोपहर में 1 बजे के बाद में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या पिछले जो विधानसभा चुनावों में जो 67% वोट का जो है फिगर टच किया था, इस बार भी वो टच करेगा, क्योंकि 58% करीबन हो गया है। क्या आखिरी के 1 घंटे में, क्योंकि 6 बजे तक जो भी लाइन में लग जाएगा, भले ही वो 7 बजे वोट करे 8 बजे वोट करे, उसको वोट करने का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या 67% का जो आंकड़ा है वो पार करेगा, क्योंकि शुरुआत में बहुत सुस्त वोटिंग थी। हम लोग भी जब सड़कों पर थे या पोलिंग बूथ पर थे वहां कतारें नहीं दिख रही थी कुछ एक इलाकों को छोड़कर, लेकिन दोपहर में 1 बजे के बाद में वोटिंग ने रफ्तार जरूर पकड़ी है। और चुनाव आयोग भी यही उम्मीद कर रहा है। मुझे ये बताइए कि आपके आसपास के जो पोलिंग स्टेशन है, मुझे यकीन है लाइव पर आने से पहले चैट देने से पहले आपने एक मुआयना तो किया ही होगा, कतारें लंबी हैं, मतलब अच्छी खासी भीड़ है अभी भी। जी अगर मैं सेंट्रल दिल्ली की बात करूं तो जी नहीं, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली के जो कुछ बाहरी इलाके हैं वहां पर निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं जो सुबह से अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, मैंने देखा है कि दोपहर में 1 बजे के बाद में 2-3 बजे के आसपास लोग, अगर ये कहा जाए कि खाना खा करके घर से निकले हैं वोट करने के लिए, तो कहना गलत नहीं होगा। वहां पर अभी भी कतारें लगी हुई है, वहां पर लोग जो शाम को 5 बजे भी वोटिंग लाइन में लगने के लिए पहुंचे हैं। और क्योंकि 6 बजे अब मैं यहां पर अभी निर्माण भवन पर खड़ा हुआ हूं, तो लेकिन जो जानकारी मिली है अभी भी जो आउटर एरियाज है वहां पर लोग कतारों में खड़े हुए हैं। और चुनाव आयोग उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है ये मतदान 7 बजे तक भी चलता रहे इसी तरह से। बाहरी दिल्ली में लोग बहुत तादाद में वहां कतारों में खड़े हुए हैं। मेरे साथ जैनेन्द्र कुमार भी जुड़ गए हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। जैनेन्द्र आपकी क्या रिपोर्ट बता रही है, कुछ लोग कुछ समर्थक मुझे पीछे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन समर्थक और वोटर्स में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल रूबिका, मैं पुरानी दिल्ली के इलाके में हूँ और पोलिंग स्टेशन जो है उनके दरवाजे जैसा अंकित बता रहे थे बंद हो चुके हैं। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं मिंटो रोड के आसपास, यहां जो करीब में 2-3 पोलिंग सेंटर हैं, पोलिंग बूथ हैं, वहां पर भीड़ जो है वो ना के बराबर है। इक्का दुक्का लोग हैं, यानी जिनको मतदान करना था उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मतदान कर लिया है, कोई कतार नहीं है। मेरे पीछे जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग हैं। और ज्यादातर इनकी टोपियों से मुझे अनुमान लग रहा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो चुनाव की अपनी ड्यूटी निपटा करके, अब चूंकि एक रिपोर्टर का लाइव है तो उसके पीछे आकर के खड़े हैं। जहां तक वोटिंग प्रतिशत का सवाल है रूबिका, तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें जो कुछ महीनों पहले ही बीता है, तो 60% मतदान दिल्ली में देखने को मिला था। और 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उससे यही लगता है कि लोकसभा चुनाव से तो ज्यादा वोटिंग दिल्ली वाले इस बार करने वाले हैं। हालांकि पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब 67% मतदान हुआ था, तो यह साफ है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार का वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम रहने वाला है। लेकिन कुछ महीने पहले जो लोकसभा चुनाव बीता उसके कुल वोटिंग प्रतिशत से निश्चित तौर पर ज्यादा रहने वाला है। जीरो देखिए, फिंगर्स क्रॉस्ड है और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है 67.12% का, दिल्ली वाले ये रिकॉर्ड तो तोड़ दें, एटलीस्ट 70 तो क्रॉस करें। लेकिन 57-58% जो है वो बहुत खुश करने वाला नहीं है, लेकिन क्या 3% वो छुएगा। अंजलि का रुख करते हैं, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बाराखंबा रोड बूथ जहां पर अंजलि मौजूद है। अंजलि आपके यहाँ भीड़ है कि नहीं है, मतलब वो बूथ में कतार लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है?
जी देखिए रूबिका, यहाँ भी अगर आपका सवाल ये है तो निराशा हाथ लगेगी आपको। यहाँ जब हम पहुंचे थे तो ये जो गेट है जिसको 6 बजते ही बंद कर दिया गया। यहाँ से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन चूंकि ये जो इलाका है बाराखंबा रोड, यहाँ पर अमूमन ऐसा ही वोटिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है कि बहुत धीमी धीमी गति से लोग यहाँ पर आते हैं। तो लोग आए हैं यहाँ पर आखिरी मोमेंट तक वोट करने आए हैं, लेकिन वो कुछ लोग थे जो वोट करके अब यहाँ से जा चुके हैं। तो जितनी हमारी जानकारी है अंदर अब कोई बाकी है ऐसा नहीं है, और कतार तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ एक जगह पर कतारों में लोग खड़े हुए हैं। जो वोटिंग बूथ है और जो मतदान केंद्र है वहां पर जो लाइनें लगी हुई है, लोग वहां पर अगर कतार में है तो उनकी वोटिंग 7 बज जाए 8 बज जाए 9 बज जाए जब तक वो वोट नहीं कर लेते तब तक इंतजार होगा, और तब तक हम भी आंकड़ों का इंतजार करेंगे। अब तक 57% बताया जा रहा है वोटर्स टर्नआउट रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो आंकड़ों पर चर्चा होगी। एग्जिट पोल का पहला नतीजा आने में 15 मिनट बस बाकी है, 15 मिनट और इंतजार करना और एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपके सामने आने वाला है। ये वोटर्स टर्नआउट जो है प्रदीप जी क्या बताता है? नहीं देखिए, तीन जगहों का जो आपने दिखाया, निर्माण भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और बाराखंबा रोड, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ 6 बजे के बाद आपको लाइन बड़ी मुश्किल से दिखेगी। ठीक है, लेकिन जो आपके संवाददाता बता रहे थे कि आउटर दिल्ली या बाहर जो है जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां लाइनें हैं। दूसरा, ये टर्नआउट, वोटर टर्नआउट अगर 67 नहीं भी पहुंचा तो भी बहुत अच्छा है। आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव में 60.6% वोटर टर्नआउट था, जो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 4.5% कम था। ठीक है सर, लेकिन अगर 60% के ऊपर जो भी जाता है, बल्कि अभी तो लग रहा है कि 65 के ऊपर जाएगा ही, हो सकता है 67 क्रॉस कर जाए, हो सकता है। तैयार हो जाइए दिल्ली के एग्जिट पोल के लिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर में एग्जिट पोल का पहला नतीजा आने वाला है। नतीजों से पहले किस तरीके की तैयारियां हैं एबीपी न्यूज की, जरूर आपको दिखाना चाहूंगी। डेटा सेंटर लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी शोभना वहां पर मौजूद है। शोभना बताइए क्या खास तैयारियां हैं, दर्शकों को किस अंदाज में डेटा दिखेगा? बिल्कुल रूबिका, बहुत ही सरल और सीधे अंदाज में आज हम अपने दर्शकों को एग्जिट पोल का डेटा समझाएंगे, वो डेटा जो तय करेगा कि दिल्ली की जनता का रुझान क्या है। 11 फरवरी को सबसे तेज नतीजे तो एबीपी न्यूज पर हम लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज अभी बस कुछ ही मिनट बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपके सामने होंगे। दिल्ली की आन बान शान कुतुब मीनार आप देख रहे हैं और उसके सामने बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आप देखिए कांग्रेस, यानी जेपी नड्डा, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी। लेकिन ये तो मैं, आप जानती हैं रूबिका, की जो सीधी सीधी टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। जैसे अमित शाह ने पूरी दिशा बदल दी है, तो ये खास इंतजाम और एक और तरीके से हम आंकड़ा अपने दर्शकों को समझाएंगे। सिर्फ 8 मिनट का समय बचा हुआ है, पहला आंकड़ा हम आपके सामने इस टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और मेट्रो ट्रेन जो कि दिल्ली की पहचान मानी जाती है वही मेट्रो आएगी, फिलहाल ये 2015 के आंकड़े के साथ आपके सामने आने वाली है। और इंतजार कीजिए मेट्रो, ये लीजिए मेट्रो आ गई है और दरवाजे खुलने वाले हैं। और ये जो आंकड़ा आपके सामने है ये 2015 के नतीजे हैं। 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत यानी 67 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 0 सीटें। तो इस बार दिल्ली की जनता का क्या मूड है, रुझान किस ओर रहने वाले हैं, इसी मेट्रो के जरिए हम आपको समझाएंगे। फिलहाल मेट्रो चली गई है अपने डेस्टिनेशन को, लेकिन जैसे ही अब से 7 मिनट बाद पहला आंकड़ा सामने आएगा, ये मेट्रो फिर आएगी टीवी स्क्रीन्स पर, आंकड़ा लेकर दरवाजे खुलेंगे। और 7 लोकसभा सीटों में हमने डिवाइड किया है, 1 लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें, यानी टोटल 70 सीटों का आंकड़ा सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखेंगे। रूबिका, चांदनी चौक हो, ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो, ये वो तमाम
रीजन है जिसका जिक्र अभी शोभना कर रही थी। हमारे साथ खास मेहमान जो बने हुए हैं, फिर आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी की तरफ से। आखिरी 6 मिनट बचे हुए हैं, राकेश सिन्हा साहब कितना आप आंकड़ा मान के चल रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री अमित शाह जी ने जो कहा है कि हम 45 सीट से अधिक लाएंगे, उसका दो बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को एक विकास के मुद्दे पर और उन मुद्दों पर लड़ा जिन मुद्दों के कारण देश में अस्थायित्व का भाव हो, और ये इसने दिल्ली की जनता को अपील की है। दिल्ली में जिस प्रकार का शासन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, वे शासन कम करते हैं, आरोप की राजनीति ज्यादा करते हैं, और आम आदमी पार्टी की दिनों दिन कलई खुलती गई है। देखिए, हर पार्टी को अपनी राजनीति करने का एक अधिकार है, और विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक दूसरे को घेरने का अधिकार है, लेकिन जिस आदर्श की राजनीति की आप दावा करके राजनीति में आते हैं, अगर उसका दशांश भी आपके पास नहीं होता है और ऐसी ऐसी बातें जनता के सामने आती हैं, तो जनता का मोह भंग होना आम आदमी पार्टी से स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी में कोई संगठनात्मक आधार उनका स्ट्रक्चर नहीं है। चूंकि बहुत कम वक्त बचा है, मैं चाह रही हूँ कि तीनों पॉलिटिकल गेस्ट जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं और उसके बाद आंकड़ों के बाद हम चर्चा करेंगे आपकी अनुमति से। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार आपकी आ रही है? एग्जिट पोल में बस 5 मिनट 18 सेकंड बचे हुए हैं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल अपने सर्वे लगातार करते रहते हैं, और आपकी तरह जो है एक सरल और एक सही तरीके से जो अपने सर्वे हम लोग भी करते हैं, बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है, तो हमें लगता है कि 60 सीट से नीचे तो हम लोग को 60 से ऊपर जो है, हमारा जो अनुमान है कि 60 के आसपास जो है, 60 से ऊपर ही जो है आम आदमी पार्टी का जो विधानसभा सीटों में, 60 सीटों के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं। मैं माफी चाह रही हूँ आपको, बीच में रोक रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं 4 मिनट 31 सेकंड बचे हुए हैं और उसके बाद पहला आंकड़ा आ जाएगा। जैसा मेरी सहयोगी शोभना बता रही थी कि वो पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो पहला रीजन जो है लोकसभा सीट, वहां से हम जहां जिसके अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती है चांदनी चौक, उसका आंकड़ा आपके सामने पहुंचाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूं कांग्रेस के अनिल भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बता दे, सर आप लोग कितना आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें आंकड़े का सवाल नहीं है, ना कोई हम भविष्यवक्ता हैं। हमारे उम्मीदवार जो बहुत श्रेष्ठ थे, उनके साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर रात दिन मेहनत करके, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत अच्छे आंकड़े आएंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। ये दोनों सरकारें जो दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी की वजह से हैं, दोनों ने मुद्दों से भटकाया है लोगों को, और कहीं ना कहीं ब्लेम गेम करते हुए दिल्ली की जनता का जनहित नहीं करा। हमने जनहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रख के लोगों के बीच अपनी बात रखी है। हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों ने धोखा दिया है, आप ही इकलौते हैं जिनको वोट इस बार पड़ने वाला है। ठीक है, इंतजार करते हैं, नंबर तो आप देंगे ना? हाँ, अनिल भारद्वाज जी इंतजार करते हैं, बस अब 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट 18 सेकंड लगातार जो है वो बिल्कुल। रूपिका जी, कांग्रेस का नंबर मैं दे देता हूँ। हाँ बताइए राकेश जी, कितना दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जो मेरा अनुमान है, कांग्रेस पार्टी 0 और 2 के बीच में संघर्ष कर रही है। अनिल भारद्वाज जी एक परिपक्व नेता है, छात्र राजनीति में रहे हैं और एक समय हम लोग कई बार साथ रहे हैं। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं है। मैं तो आपसे बीजेपी के कितनी है सेना साहब? नहीं नहीं, जो आंकड़े आएंगे राकेश जी वो सामने आएंगे स्क्रीन पे, और जो रिजल्ट आएंगे वो भी 11 को आएंगे। हमें तो सारे चैनल आपसे स्पॉन्सर्ड है, हमें हरियाणा में 2 सीटें दे रहे थे को। नहीं, हमें तो 2 सीटें दे रहे थे आप हरियाणा में, आपका राकेश जी हमें आपने 2 सीटें दी थी आपके मीडिया ने यहाँ, और हमें 31 हरियाणा में मैंने 2 सीटें नहीं दी थी, लेकिन मैं यहाँ आपको 0 और 2 के बीच में दिल्ली में रहिए ना, देश की राजधानी, देश के दिल में इस वक्त क्या अभी छुपा हुआ है, मैं तो वो जानने की कोशिश कर रही हूं। और विजय विद्रोही मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं ना राकेश सिन्हा साहब, बताइए बीजेपी कितनी सीटें लाएगी, कांग्रेस में क्यों दिलचस्पी आपकी, बताइए बीजेपी कितनी लाएगी? 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला नतीजा आ जाएगा सर।
देखिए कांग्रेस में दिलचस्पी का एक बड़ा कारण है जो आपने कल संसद में देखा और सड़कों पे देखा। पार्टी संसदीय जनतंत्र से बाहर हो रही है लेकिन संसदीय जनतंत्र को ध्वस्त करने में लगी हुई है। आप दिल्ली की कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तीन ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सरकार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? सत्ता में राकेश जी हमने बहुत ही सहज तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कभी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस देश में, ये तो हर पार्टी ये कहेगी। अच्छा, आप दोनों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी जो है वो इत्मीनान से इंतजार कर रही है। ये कॉन्फिडेंस है या फिर नर्वसनेस, ये तो डॉक्टर कुमार ही बता सकते हैं। देखिए 1 मिनट 17 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड और उसके बाद एग्जिट पोल का पहला नतीजा आ जाएगा। हमने आपको दिखाया कि वो कुतुब मीनार क्या उसी की हाइट को छूते हुए चांदनी चौक के वो नतीजे आने वाले हैं एग्जिट पोल के, क्योंकि बहुत तादाद में दिल्ली ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया हो ये तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। 57% जैसा अब तक का दिल्ली का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत सूझबूझ वाला है और निश्चित तौर पर वो उनका फैसला बहुत समझदारी भरा होगा। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।